हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपने लाइफ में सभी मगन होंगे। और अभी करीब समय 2 बज चुके हैं, मैं अभी ब्लॉग नहीं बनाने जा रही हूँ। बस वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर सोची कि वीडियो आप सबके लिए भी यूजफुल होगा, उपयोगी, इस वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए। ये देखिए, ये है आलू, आलू का जूस, और ये है बेसन और हल्दी। इसे अभी अपने फेस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए मेरे थोड़ा सा यहाँ पर दाग, झाइयाँ जिसे बोलते हैं, वही हो गया है, बहुत हल्का हो चुका है। होम रेमेडी, घरेलू नुस्खा है, एकदम अपने घर में बना करके इजी है, और सब कुछ घर में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से लेकर के आना है कोई भी चीज़, घर में सब कुछ रहता है, हल्दी, बेसन, आलू। तो आलू का जूस चाहे जैसे भी निकालें, मिक्सी में पीस करके या फिर घिस करके, मिक्सी में मैं नहीं पीसी हूँ क्योंकि मिर्ची पीसने के चलते उसमें जलन होने लगता है, फिर लगाने के बाद घिस करके और उसका जूस निकाल ली। तो भी इसी को चेहरे पर लगाने जा रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो में। आप सब से दिखाते हैं किस तरह से मैं इसे अपना चेहरे पर लगाती हूँ, और काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, इसे लाइट भी चला गया, इसे मिक्स कर ले रहे हैं। लगा लिए और अब इसे 15 मिनट तक इसी तरह सूखने के लिए छोड़ रहे हैं। उसके बाद इसे ठंडे पानी से, देखिए मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि दाल के कुकर को मुँह डाल दिए। मिलते हैं तुरंत। देखिए फ्रेंड्स, मैं चेहरे को धो करके और वापस सबके सामने आ गई। अरे होम रेमेडी बहुत ही उपयोगी है, और ये दाग मिटाने के लिए मैं इससे ही सिर्फ लगाई हूँ, और एलोवेरा, बस दो ही चीज़। हल्का हो चुका है, 2 महीना से है और हल्का हो भी गया है, इधर जब से इसे स्टार्ट किए हैं, मतलब 1 महीना से एलोवेरा लगा करके। एलोवेरा तो छत पर है, उसी तोड़ करके और उसी को लगा लेते हैं, ऐसे मार्केट से जेल मंगा के नहीं। अरे घरेलू नुस्खा, कुछ बाहरी कोई क्रीम नहीं लगाना है अब तक। तो आप सभी इस होम रेमेडी को अपनाइए, अगर इस तरह से दाग धब्बे चेहरे पर हो गए हैं तो। सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है लगाने के बाद, और 1 घंटे तक चेहरे पर कुछ भी ना लगाएं। 1 घंटे के बाद आप जो भी लगाते हैं क्रीम वो लगाएं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग एक दिन कल के बाद ही आएगा ब्लॉग मेरा, क्योंकि अभी तो देख ही रहे हैं मेरा चेहरा सूजन हो गया है, सर में दर्द की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम पता नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में वीडियो बनाना और फिर एडिटिंग करना, ये सब काम नहीं हो सकता है। तो मैं
तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है अभी। तुम लोग तो मेरा कल के बाद, कल यानी ट्यूजडे, आज मंडे, कल ट्यूजडे, उसके बाद ही आएगा। वेट कीजिएगा आप सब, और मेरा ये घरेलू नुस्खा ज़रूर अपनाइएगा एक बार, अपने चेहरे पर अप्लाई करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई में ये फ़ायदेमंद है या नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।